अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट जो है ना उसके चाहिए एक्सरसाइज और रिव्यू एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो उन वीडियोज़ का भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस जो यूनिट नंबर 2 है इसके सारे एक्सरसाइज का और नई वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बरवक्त नोटिफिकेशन आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एट द फॉलोइंग 3/4 and 4/5, कोई से दो रेशनल नंबर्स हो हमारे पास, कोई से दो फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करेंगे और कैसे उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो डिटेल से इसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं एट द फॉलोइंग एक्सरसाइज नंबर 2.1। पार्ट ए है 3/4 and 4/5, इसको कैसे ऐड करेंगे। तो सॉल्यूशन 3/4 + 4/5, तो कोई से दो जो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, यानी जब कोई दो आप लिखते हैं इंटीजर्स उसको डिवाइड करते हैं तो उससे आपके पास रेशनल नंबर आता है, यानी उसके डिवीजन से या उसके क्वेश्चन से आपके पास दो जो इंटीजर्स हैं उससे आपके पास एक रेशनल नंबर आता है। दो रेशनल नंबर्स को फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों देखें, हमारे पास अगर 1 + 2 है, होल नंबर है, इसको ऐड करना तो ईजी है। लेकिन जब आपके पास पार्ट्स हो जाए, 3/4 का मतलब है 4 में से 3 पार्ट्स हैं, यानी अगर एक चीज़ है 1, 2, 3, 4, अगर उसके 4 पार्ट्स हैं तो उसमें से 1, 2, 3 ये हैं, और इस तरह अगर एक चीज़ है हमारे पास उसके टोटल 5 हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो उसमें से आप 4 हिस्से लेते हैं, तो इसको कैसे यानी प्लस किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ये है कि इन ये जो नीचे जो टोटल हिस्से हैं हमारे पास, इसको हम इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, या इस 5 के इतने हिस्से करेंगे या 4 के इतने, तब ये ऐड हो सकेंगे। जब टोटल पार्ट्स आपके पास इक्वल ना हो, बेसिकली फ्रैक्शन जो है ये हमारे पास पार्ट्स हैं क्योंकि एक होल नंबर नहीं है, तो उसके लिए आपको एलसीएम, लीस्ट कामन मल्टीपल की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो वो लीस्ट कामन मल्टीपल क्या है, अगर ये 4 और 5 है हमारे पास, तो अगर इसको हम जो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर आपके पास 2, 3, 5, 7, वो नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, या 1 पर, और 2 हमारे पास वाहिद जो है ये प्राइम नंबर है जो जुफ्त है, बाकी सारे इसके अंदर आड आएंगे और सारे आड जो है वो भी प्राइम नंबर आपके पास नहीं है। आड नंबर के अंदर वो नंबर्स जो सिर्फ अपने आप या 1 पर तकसीम होते हैं, लिहाजा 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 है। तो इसी तरह 2 2s are 4, 5 2 1s are 2 और 5 को उसी तरह, चूँकि हमारे पास 5 जो है ये प्राइम नंबर है, 5 1s are 5, तो अब एलसीएम जो आएगा इसका 2 2s are 4, 4 5s are 20, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 20। अब जब आपके पास एलसीएम जो टोटल हिस्से आपके पास 20 हो, यानी 4 के भी आप टोटल जो है मज़ीद हिस्से करेंगे, सब पार्ट्स 20 करेंगे और 5 के भी 20, तो 20 वो नंबर है, लीस्ट कामन मल्टीपल है इसका, वो नंबर है 4 का, ओ छोटे से छोटा मल्टीपल है और 5 का, जिस पर आकर ये दोनों हिस्से आपस में मिलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वहाँ पर, यानी इसके भी आप 20 पार्ट्स कर ले सकते हैं और इसके भी आप कर सकते हैं। तो अब हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम। हमने अब इसको 3/4 है, इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, तो इसको ऐसे आप इसको टोटल हिस्से 20 आपके पास तब आएंगे कि आप इसको 5 के साथ, इसको भी 5 के साथ, तो 3 5s are 15 और 4 5s are 20, इस फ्रैक्शन से आपके पास ये आ गया। और दूसरा जो फ्रैक्शन है 4 और 5, थोड़ा सा डिटेल से
एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस हम थोड़ा सा शार्ट करेंगे। तो 5 4s are 20 होते हैं, और ऊपर भी 4 के साथ 4 4s are 16 और 4 5s are 20। लिहाजा अब ये दोनों को आप यानी इसको प्लस करेंगे, 5 / 20 प्लस जो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो आपके पास आ चुके हैं 16 / 20। तो इससे आपके पास जो नंबर आएगा 20, जब लाइक फ्रैक्शंस आपके पास आ जाए, लाइक रेशनल नंबर्स आ जाए जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा हो, उसमें से एक ले लें, ऊपर वालों को आप प्लस कर लें। तो इस तरह ये 21 / 20, 21 को अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो ये नंबर इस तरीके से आपके पास आएगा। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास ये 5 नहीं तो सॉरी बल्कि 15 है, यहाँ पर भी 15, तो ये हमारे पास 31 divided by 20। तो 31 divided by 20 आप इसको अगर डिवाइड करते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं करते, अगर आप इसको दूसरी तरह लिखना चाहें तो 21s are 20 और ये पीछे 1 और 1 11, यानी ये आपके पास 1 whole 11 divided by 20 भी आप इसको लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, वरना आपके पास ये जो है 31 divided by 20, ये आपके पास सॉल्यूशन आता है। अब अगर इसको हम दूसरे तरीके से बताएं समझाएं तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर आपने जब एलसीएम इसका 20 ले लिया, ऊपर वालों को सिर्फ आपने फिर प्लस करना होता है। अब अगर इसको यहाँ पर सेकंड मेथड हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3/4 + 4/5, क्योंकि एलसीएम हम पहले ही ले चुके हैं कि 20 इसका एलसीएम आता है, तो सॉल्यूशन में नीचे इन दोनों का जो एलसीएम है वो 20, तो 3 और 4 को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि 20, तो 4 5s are 20, तो 5 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई किया, और 5 4s are 20, तो लिहाजा ऊपर मैंने 4 के साथ किया, तो इससे हमारे पास 3 5s are 15 और प्लस 4 4s are 16 और इस तरह नीचे 20। तो ये आपके पास 31 divided by 20 ये नंबर इस तरीके से आ जाएगा, और यही इसका सॉल्यूशन है। आगे एक और पार्ट को कल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर -7 divided by 11 प्लस 13 divided by 14, तो इसी तरह 11 और 14 का आप एलसीएम लेंगे, 11 और 14 का 11 1s are 11 और इसी तरह 2 7s are और 7 1s are, क्योंकि ये 11 वैसे भी प्राइम नंबर है, ये किसी और नंबर में नहीं आएगा, तो इस तरह 11 2s are 22 और इसको 7 के साथ करेंगे तो ये 100 तकरीबन आ जाएगा, 54। तो 154 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा 154। अब -7 को ऊपर 11 को किस नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आपके पास आ जाए, तो दोस्तों ये इस तरह 11 × 2 × 7, तो 11 को देखें, यहाँ पर 11 है, 11 2s are 22 को अगर 7 के साथ करेंगे तब आएगा, तो 7 2s are 14, तो लिहाजा इसको आप 11 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आएगा हमारे पास, और इस तरह 14 को आप 7 2s are 14, 14 को 11 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आपके पास 154 जो एलसीएम ये आएगा। तो अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो 7 4s are 28, 2 7 1s are 7 और 2 9, 14 7 98 माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा 13 1s are 13, 1 हो जाएगा कैरी हमारे पास 13 और 1 और 14, तकरीबन ये आ जाएगा हमारे पास 143 और इस तरह 154। तो इससे जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा, तो अगर आप यहाँ पर 143 से आप 98 को माइनस कर लेते हैं तो यहाँ से एक 13 एक 12 आप लेंगे, यहाँ पे 3 रह जाएगा, तो 8 और 5 13 5 रह जाएगा, और अब 13 में से 9 निकालेंगे तो ये 45 यानी 45, तो लिहाजा बड़े नंबर वाले के साथ हमारे पास प्लस है तो 45 के साथ हम प्लस लगाएंगे और डिवाइडेड बाय 154, ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। आगे एक और पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर चूँकि हमारे पास इस तरह है
यहाँ पर तीन नंबर है, तो तीन नंबर को किस तरह आप ऐड करेंगे, तीन रेशनल नंबर्स को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस 4/9 प्लस 7/12। लेकिन यहाँ पर जब प्लस करता हूँ इसके साथ नेगेटिव साइन है, लिहाजा इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस 3/8 इस तरीके से। नेक्स्ट आप इसको लिख सकते हैं माइनस 4/9 प्लस 7/12 प्लस माइनस माइनस और 3/8। अब इसका जो नीचे है आपके पास डिनोमिनेटर है, इसका आप एलसीएम लेंगे 9, 12 और 8, यहाँ पर जो नीचे जो नंबर्स हैं। तो यहाँ पर आप अगर 2 के साथ कर लें तो 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 के साथ करें 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4। मज़ीद अगर आप फिर 2 के साथ करें, क्योंकि ये जो बाकी नंबर्स है ये 2 पर नहीं होंगे, तो 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 और इसी तरह 3 1 ज़ार 3। तो एलसीएम अगर आप ले लें इन नंबर्स का, तो आपके पास ये सारे नंबर्स को यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 और 24 3 ज़ार, ये आपके पास गालबन आएगा 72। तो ये एलसीएम मैं लिख लेता हूँ 72 जब आपके पास आ जाए, क्योंकि एलसीएम हमारे पास 72 आ गया, तो यहाँ पर हम 72 लिख लेते हैं यहाँ पर इस तरह, और माइनस 4। अब ये जो 9 है, 9 8 ज़ार 72 होते हैं, तो लिहाजा ऊपर वाले को हम 8 के साथ और प्लस 12 6 ज़ार 12 6 72 होते हैं, तो ऊपर हम 6 के साथ कर लेते हैं, और माइनस 8 कितने ज़ार हमारे पास होते हैं, 72, तो 8 9 ज़ार होते हैं, तो लिहाजा ऊपर वाले नंबर को हम 9 के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो इस तरह ये जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा 8 4 ज़ार 32 माइनस 32 प्लस 7 6 ज़ार 42 और 9 3 ज़ार 27, तो इस तरह ये 72 आपके पास आएगा। और मज़ीद आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये माइनस जो आपके पास साइन है इसको आप पहले कर लें, माइनस 32 माइनस 27 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 72। ये माइनस 32 और माइनस 27 इसको जब आप प्लस करेंगे, सेम साइन हमेशा प्लस होते हैं, तो ये आ जाएगा 59, यानी माइनस 59 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 72 आएगा आपके पास इस तरीके से। और 59 से अगर आप 42 आप जो है वो निकालेंगे, क्योंकि वैसे तो आप इस तरह 42 से 59 नहीं निकाल सकते, लेकिन 59 से 42 निकालेंगे और ग्रेटर वाले का आप सिंबल लगाएंगे साइन। तो 9 से हम 2 निकालेंगे 7 और 4 से 5 से 4 निकालेंगे तो 1 और इस तरह माइनस 17। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 17 डिवाइडेड बाई 72, और यही इसका जो है वो एग्जैक्ट इसका सॉल्यूशन है। आगे एक और पार्ट को भी कर लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक और पार्ट ये कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के आपसे हो जाएंगे। 4/13 प्लस 6/11 और प्लस यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो लिहाजा हम ब्रैकेट कर लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा फिर बाद में। तो 4/13 प्लस 6/11 प्लस माइनस माइनस 3/22। यहाँ पर जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 13, 11 और 22। तो 11 के साथ हम इसको कर लेते हैं, 11 1 ज़ार 11 2 ज़ार 22। तो नेक्स्ट हम 2 के साथ कर लेते हैं इसको, 2 1 ज़ार और फिर 13 भी प्राइम नंबर है, तो 13 1 ज़ार 13। तो इसी तरह एलसीएम जो आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13। तो 11 2 ज़ार 22, 22 को जब आप 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन आएगा 286। तो चलो इसको अब हम एलसीएम ले चुके हैं, 286 आपके पास एलसीएम आ गया। अब 4 जो ऊपर नंबर है इसको किस नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 को 13 कितने ज़ार आपके पास 286 होते हैं, तो 11 2 ज़ार 22, यानी 22 13 ज़ार 13 22 ज़ार। तो लिहाजा ऊपर को हम 22 के साथ और 6 मल्टीप्लाई बाई 11 कितने ज़ार, तो 13 2 ज़ार 26 को 11 के साथ करेंगे, तो ये नंबर आपके पास आएगा
तो ऊपर नंबर को हम इसलिए 26 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 3। और 22 कितने हज़ार, तो 11 टू ज़ार 22, 22 13 ज़ार, तो इसलिए ऊपर वाले नंबर को हम 13 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये नंबर हमारे पास इस तरीके से ये आएगा, 422 ज़ार, ये आपके पास 42 ज़ार 8, और 2 ज़ार 8 प्लस 66 ज़ार 36, 3 आ जाएगा कैरी, 62 ज़ार 12 और 115, 100 ये आपके पास आ जाएगा 56, गालबन इतना ही आएगा, माइनस और 13 39, 39 और इस तरह 286। अब 156 प्लस 88 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 244, और इसमें से 39 आप निकालेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 9 निकालेंगे तो 5, और 3 में से 3 0 और 2, 205 डिवाइडेड बाई, तो इस तरह 205 डिवाइडेड बाई 286 ये नंबर आएगा। और इसी तरह आप जो है फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। तो इसके बाद हम माइनस वाले क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर वक्त आपको नोटिफिकेशन आए तो चैनल को लाजमी लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।